बच्चे होते हम भी अगर बच्चे होते ना हमारा होता कबलू कबलू दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू हमारे विधायक कुर्बा के माननीय श्री विशेष रवि जी वरिष्ठ नागरिक स्थल में पधारते हुए इनका स्वागत है सभी का। सबको बताते हुए बहुत हर्ष और खुशी हो रही है कि माननीय विधायक श्री विशेष रवि जी सर्वप्रथम मैं प्रधान जी से गुजारिश करूंगा और हमारे पांचों पदाधिकारी कृपा करके मंच पे आए पांचों पदाधिकारी मंच पे हैं। इधर आइए कुमार जी जरा प्रधान जी विधायक श्री विशेष रवि जी का संस्था की तरफ से बुके देकर स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां। और मैं इसके साथ ही आग्रह करूंगा हमारे विधायक जी से, हमारी संस्था छोटी सी है और हमारे अथक प्रयासों के द्वारा आप सबके तो छोटा सा फ्रिज आया है, तो हमने आज का दिन विशेष दिन रखा कि हमारे विधायक जी आएंगे और हमारी छोटी संस्था का छोटा सा फ्रिज उसका रिपन काट के उद्घाटन करेंगे। तालियां। जो आज फ्रिज आया है वरिष्ठ नागरिक स्थल पर उसका हमारे माननीय विधायक श्री विशेष रवि जी उद्घाटन करते हुए एक ऐतिहासिक पल। विशेष रवि जी केक हमारे विशेष जी को खुद मेहनत करनी पड़ी है, केक खुद निकालना पड़ रहा है। देखिए ये हमारे विधायक जी की खासियत है, ये जमीन से जुड़े होने की पहचान है। सारे पदाधिकारी सेट आ जाइए, सारे पदाधिकारी आ जाइए। वरिष्ठ नागरिक स्थल के प्रधान श्री जी विशेष करवाल जी विशेष रवि जी को बधाई देते हुए उनका सम्मान करते हुए बहुत प्रिय है। आप जाओ ना यार, ये मैंने सभी के चाहते हैं भाई, हमारे तो भाई ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक चला दो भाई। एक कोई सबसे बुजुर्ग अपना यहाँ पे ना, उसको एक बुजुर्ग को लाओ, सबसे बुजुर्ग को लाओ। एक बाकी श्री दीपक अभोजी आकाश जी और इनका स्वागत हमारे वरिष्ठ जन हीरालाल जी आकाश जी का स्वागत हमारे हीरालाल जी महेश जी निगम पाशा जी हैं वो भी आ चुके हैं, पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे माननीय महेश किंची जी पधार चुके हैं। आशीष शुक्ला जी आ गया है।
रानी मेहरा जी, रानी मेहरा जी आ गए हमारे वरिष्ठ नागरिक स्तर पर। बहुत रौनक लगी हमारे विधायक जी उनके साथियों के द्वारा, और मैं चाहूंगा हमारी मातृशक्ति के लिए हाथ उठा के जोरदार तालियां। हमारे वरिष्ठ जन सोने के द्वारा बरसा के कर रहे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ हम हमारी मातृशक्ति का स्वागत करते हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे जन्म दिन का विशेष कार्य हमारे कृपया करके केक काट के आज हमारा आपका जन्मदिन मनाने की शुरुआत की जाए। म्यूजिक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे विशेष जी, हैप्पी बर्थडे विधायक जी। बाबा साहब बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू दिए हजारों साल ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आज इस वरिष्ठ नागरिक स्थल में जो आपके द्वारा कितना सुंदर प्रोग्राम रखा है, आज हमारे विधायक जी का जन्मदिन है और आपने सबने मिलकर इतना अच्छा हमारा विधायक जी का जो जन्मदिन मनाया, उसके लिए पहले तो मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतना प्यार और आपका जो आपने मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दो शब्द देखो, इस टाइम इलेक्शन का टाइम है तो दो शब्द इलेक्शन के बारे में बोलना जरूरी रहेगा। देखो, आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से बीजेपी और मोदी जी ने के लोकप्रिय विधायक श्री विशेष रवि जी, हमारे निगम पार्षद महेश किंची जी और हमारे वरिष्ठ नागरिक स्तर के तमाम कार्यकर्ता और मातृशक्ति, मैं सबसे पहले तो विशेष रवि जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथ ही मैं उनसे निवेदन करूँगा कि हमारे बुजुर्ग पूछ रहे थे कि विशेष रवि जी की आयु कितनी हुई है, तो ये उनका 41वां जन्मदिन है और 41 है जी, सुन लो सभी के जरिए, फिर बाद में सवाल मत करना। दूसरा एक मैं हाथ इंदौरी छाप का एक शेर सुनाऊंगा, जिस प्रकार से मोदी दिन ब दिन झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है बंद कमरे के अंदर मंडी लगी हुई है, बाहर लिखा है सच बोलो। अब अरविंद केजरीवाल जी के लिए बनूंगा कि हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा, हिम्मत ना हारो, खारे पानी से भी समंद, खारे पानी से भी गंगा जल निकलेगा। बहुत 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 शुक्रिया करूंगा कि आप सबने जो है जन्मदिन के ऊपर जो है मुझे अपने पास बुलाकर जो है आशीर्वाद दिया, यहाँ बुलाकर मुझे शुभकामनाएं दी है, इसके लिए सभी का प्रधान जी को और पूरे जीवन के अंदर अपने माता पिता की दौलत हूँ, जो मुझे घर से परिवार संस्कार मिले हैं, खासतौर पर पिताजी ने जो मुझे आज तक जो है वो कदम कदम पे चीजें सिखाते हैं बताते हैं,
तो उसी ज्ञान की बदौलत, उसी शिक्षा की बदौलत जो है मैं आज जहाँ भी हूँ उस स्थान पर पहुँचा हूँ। और मैं अपने इस मौके पर सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि हम सब लोग भी जो हैं एक बार को भगवान को जो है वो कम पूछ लें, भगवान की पूजा थोड़ी सी कम कर लें, लेकिन अपने माता पिता की पूजा में जो है ना उनकी सेवा कोई कमी नहीं है। क्योंकि धरती के ऊपर भगवान तो हमारे पास नज़दीक में है नहीं, लेकिन भगवान ने जो है ना माता पिता के रूप में जो है वो अपने अंश भेजे हुए हैं हमारे पास। और मेरा ये विश्वास है कि जो आदमी अपने माता पिता की सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, और जो उसका अपना धर्म है बच्चे के लिहाज से वो निभाता है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसकी तरक्की को रोक पाए। माता पिता का जो आशीर्वाद है ना उसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आप अगर उनकी सेवा अच्छे मन से करें, उनका ध्यान रखें, तो वो उनसे उनके मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद, उनका हाथ आपके सर पे जो रखा जाता है, उसके बाद जो है कोई ताकत नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है जो आपको रोक देगी, तरक्की है आगे आपके जो है बढ़ने के लिए अगर माता पिता की सच्चे मन से सेवा करेंगे। तो मैं जो भी कुछ हूँ माता पिता की बदौलत हूँ, और मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ कि आप सब भी जो है माता पिता की तरह ही हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। जब भी आप लोग बुलाते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके बीच में आए, तो आपने पहले भी कभी जो काम बताए हमने कोशिश किए करने की, आगे भी जो भी कोई काम हमारे सेवा हमारे जिम्मे आपको लगानी हो तो बताना, हम खुशी जो है उस सेवा को करना चाहेंगे। कभी भी हमारे को काम बोलने से झिझकना मत, आप कोई काम बताने से आप लोग जो है सोचना मत, आप काम बोलना, हम पूरी कोशिश करेंगे उस काम को हम करके दें आपके लिए, आपकी सेवा में हमेशा। मैं भी, महेश जी भी, हमारी पूरी टीम सारे बुजुर्गों की सेवा में हमेशा जो है सदैव जो हाजिर है। हम जो है खुद जो है कुछ कम अपने घर में कम भर्ती कर लेंगे, लेकिन आपके यहाँ कम भर्ती नहीं होती, ये हमारा। आज आपने जन्मदिन के मौके पर जो है इतनी बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज की, वैसे पार्टी तो हमें करनी चाहिए थी, कुछ लोग आज आए भी थे, तो कोई बात नहीं, अगर शाम की पार्टी की गुंजाइश कोई हो मोरे जी तो बता देना, उसका जिम्मा हमारे लगा। जो लोग शाम की पार्टी करने में विश्वास रखते हो तो वो मोरे से मैं निवेदन कर रहा हूँ, तो वो हमें आप इन्फॉर्म कर दो। अरे हम तो आपके बहाने की, तो पार्टी आपने एक बुलानी, एक पार्टी हमारे से भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आशीर्वाद की बदौलत हम लोग हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि 25 मई को जो दिल्ली में लोकसभा चुनाव है वहाँ भी आप लोग हमें आशीर्वाद देंगे।